जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा, कम से कम इसका सबूत तो दे दें। अदम एतमाद के दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने 12 बजे हाईकोर्ट क्यों खोला था? फैसल वावडा ने जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से बड़ा बयान दे दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि कानून खास के लिए कुछ और आम के लिए कुछ और है। मैं अदालती निजाम के जिस मसले की निशानदेही कर रहा हूं, वो यहां के दो कानून हैं। कानून खास के लिए कुछ और आम के लिए कुछ और है। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बानी पीटीआई मशहूर हस्ती हैं, उन्हें लाइव दिखाना चाहिए। आईन और कानून में तो ऐसी कोई बात नहीं। फैसल वावडा ने कहा कि अगर मुल्क का कोई मशहूर गुलूकार कत्ल के जुर्म में मुलव्वस हो तो क्या उसके लिए कानून अलग होगा या उस गुलूकार से आम कातिल की तरह कानूनी सलूक ही होगा? फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा है, कम से कम इसका सबूत तो दे दें। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के केस में बेल दी और उनके मुल्क से बाहर जाने का भी ऑर्डर दिया। फिर जिस दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आया, उस दिन उन्होंने 12 बजे हाईकोर्ट इस्लामाबाद खोल दी। सुप्रीम कोर्ट का खुलना समझ में आता है कि वो एक आईनी चीज को मॉनिटर कर रहा था, लेकिन हाईकोर्ट क्यों खुला? ये सवाल जस्टिस अतर मिनल्ला से मीडिया को करना चाहिए कि क्या मुदाखलत थी, क्या ख्वाब था, क्या कैफियत थी, ये सब मीडिया को पूछना चाहिए।